सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाएंडा या कची मिश्री जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप भरती हुजे या न, रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तर उल्हासनगर मधील नागरिकांचं दुर्दैव आहे की आम्ही फक्त कॅन्डल मार्च करतोय, लोक जे जीव जाताना बघतोय आणि ते उभ्या डोळ्यांनी पाहू लागतोय। काही उपाययोजना नाही, वर्षानुवर्ष परिस्थिती प्रशासन असू दे, शासन असू दे, राज्य शासन कुणाचंही असू दे, पण या उल्हासनगर वाशांवर वेगवेगळे जीव जात आहेत, कसल्या प्रकारची मदत नाही किंवा कसल्या प्रकारची उपाययोजना नाही। ना रिडेव्हलपमेंट आहे, ना रिकन्स्ट्रक्शन आहे, लोकांना त्याच त्याच घरामध्ये त्याच्या परिस्थितीमुळे राहावं लागतं आणि जीव मुठीत घेऊन राहतात, तरी पण तिथंच राहावं लागतं, शेवटी जीव जात आहेत। आणि शेवटी उल्हासनगर वाशांवर अशा प्रकारची कॅन्डल मार्च किती वेळा, किती वर्ष। आत्ताचे जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी मागच्या टायमाला घोषणा केली होती, अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत, त्यांना मदत मिळालेली नाही, ह्यावेळी पण आश्वासन काय झालं नाही आहे। मागच्या वेळेस आश्वासन दिल्यानंतर सुद्धा अजून मिळालेलं नाही, त्याचं साक्षीदार आम्ही आहोत। आमच्या साक्षीने त्यांना मदत जाहीर केली होती, म्हणजे उल्हासनगर एक नंबरमध्ये असतील, दोन नंबरमध्ये असतील, कारण काही असतील, पण वास्तविक पाहता त्यांना मदत मिळाली नाही। मदत जी जाहीर केली तुटपण जी होती 5 लाखाची होती, ती अजून मिळाली नाही, ना महापालिकेकडून ना शासनाकडून। आता मुख्यमंत्री आहेत, आता तरी मदत व्हावी, आमदार या ठिकाणी आले होते, आमदारांनी जाहीर करावं आणि या अशा प्रकारच्या घटना होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी सरकारला आम्ही विनंती करतो। अजून किती जीव जाणार आहेत आमचा। रिडेव्हलपमेंट का जब प्लॅन आया था, जब वो निर्णय आया तो बहुत सारे बॅनरबाजी होई, बहुत सारे ढोल ताशे से उसका स्वागत किया, पर आज उनमें से एक भी यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए दिख नहीं रहा है। सालों साल से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उससे उसके साक्षीदार है कि रीडेवलपमेंट होगा, उल्हासनगर वासियों को न्याय मिलेगा, उल्हासनगर वासियों को नया घर मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं, खाली आश्वासन, वादे और बस तारीख पे तारीख है। जब बिल्डिंग गिरती है तभी माहौल गर्म होता है, तभी शासन या प्रशासन जागे होते और कुछ अनाउंसमेंट करते, इसके आगे नहीं होगा। पब्लिक को भी ऐसा लगता है कि इसके आगे नहीं होगा, लेकिन ये बार बार हो रहा है और कितनी जाने जानी जाएगी जाएगी। महापालिका प्रशासन और शासन क्या करेगा ये अभी पूछ रहे। कल हुए हादसे में जो लोग मारे गए, मर गए, दबकर मर गए थे, तो अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि धोखादायक इमारतों को नोटिस देने के बावजूद ऐसे लोग चोरी छुपे ऐसी इमारतों में रहते हैं, ऐसा कहा गया था, अधिकारियों ने कहा ऑन कैमरा पे, चोरी छुपके इन बिल्डिंगों में रहते हैं, जिस वजह से वो अपनी जान गवा देते हैं। तो अधिकारियों का काम क्या है? लाइट काटना। प्रशासन क्या काम करेंगे? प्रशासन का काम क्या है? लाइट बिल भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, चोर कैसे हो गए? चोर कैसे हो गए? टैक्स भर रहे हैं, लाइट बिल भर रहे हैं, तो चोर कैसे? अपनी जिम्मेदारी झटकने के लिए, किसी और के ऊपर डालने के लिए, नागरिकों के ऊपर डालने के लिए इस तरीके का बयान अधिकारी कर रहे हैं। कल ऐसा भी देखा गया कि जब एक सागर ओचानी करके जो बंदा अंदर दबा हुआ था, जब उसको बाहर निकाला गया तो एम्बुलेंस ही नहीं थी, तो अधिकारियों को जब इससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंसेस रास्ते पर हैं। कोई सोया हुआ प्रशासन है, ना शासन को चिंता है, ना प्रशासन को चिंता है। महापालिका प्रशासन जैसा महापालिका में वैसे शासन में लोगों की कुछ पड़ी नहीं, इस तरह का कारोबार, ऐसे अधिकारी यहाँ आए तो ना एम्बुलेंस मिल रही, ना फायर ब्रिगेड आती, तो क्या काम का है? परिस्थिति यहाँ की हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रही है, आश्वासन मिल रहे हैं कि उपाय योजना कुछ भी नहीं, जो जिम्मेदार है उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। कल जो बंदा वहाँ पे गुजर गया, जो चिल्ला रहा था मुझे निकालो, उनको निकालने के लिए प्रशासन असमर्थ रहा, क्यों? उनके ऊपर कार्रवाई कौन सी बैठेगी? इसका जवाब प्रशासन को देना ही पड़ेगा। तो आप मांगेंगे कि हमको जनता को मांगना पड़ेगा? मांगेंगे, जरूर मांगेंगे। भारत माता की जय। लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से कल जो हादसा हुआ था, वहाँ मृतकों के लिए आपके एसोसिएशन की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया, तो ये आपका क्या उद्देश्य था? सर, हमारा उद्देश्य ये है कि अगर वो उनके पास लाइट काटी जाती थी, प्रशासन उनको निकाल सकता था पानी काट के, नहीं बोल रहे चोरी से यहाँ पर रह रहे थे, चोरी से नहीं रह रहे थे, उन्होंने निकाला नहीं उनको,
तो हम मांग करेंगे प्रशासन से सबको न्याय, अभी आगे ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये हुआ है। जो धोखादायक बिल्डिंग है उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए, रास्ता निकलना ही चाहिए, मना अभी जो कराना चाहिए, लाइट काटो, पानी बंद करो, उनको आगे सुविधा दो, वो दूसरे कहाँ रहे, सब उनको सब मिलके कॉपरेट करो, ऐसा हादसा नहीं हो, हादसा नहीं होना चाहिए। कल कितनी जाने गई है, दूसरों के साथ ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो इस जो कल हमारे शहर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है मानस टावर से, उनके परिवार के एक ही परिवार के चार लोगों की जान गंवाई है, उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और जो व्यापारी संस्थाओं ने उनके साथ खड़े हैं हम भी उनके साथ खड़े हैं और उनको मतलब ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाला है। जैसे कि हमने सोशल मीडिया पर देखा कि जिस बच्ची की जान गई है उसकी दिसंबर में शायद शादी होने वाली थी। मेरा ऐसे है कि जब तक ये अवैध निर्माण बंद नहीं हो जाते तब तक हमारा शहर ऐसे ही हादसों से गुजरता रहेगा, क्योंकि हमारा अपना ये पर्सनल व्यक्तिगत मत है, ये वो बात हो जाती है कि हम कैंसर के हॉस्पिटल बना रहे हैं पर जिस चीज़ से कैंसर फैल रहा है उस पर हम कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं। तो यही मुद्दा उल्लासनगर में ये धोखादायक इमारतों का है, तो इसका जो मूल कारण है वो तो अवैध निर्माण है, प्रशासन का इसमें पूरा योगदान रहता है, ऐसे नहीं है कि प्रशासन का पूरा योगदान नहीं रहता है, लेकिन ऐसे है कि वो भी कभी ना कभी, जैसे मेरी निवेदन है लोगों के आगे भी कि जिन बिल्डिंगों को धोखादायक बिल्डिंगें घोषित किया जा चुका है उनमें प्लीज़ ज़्यादातर करके नहीं रहें, क्योंकि अपनी जान का जोखिम में नहीं डालें और अपने परिवार का ध्यान रखें। और जो आपने गवर्नमेंट का जीआर आने का बात की थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की बात की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष धोखादायक बिल्डिंगों के मुद्दे में इतिहास गवाह है, हमेशा आगे आता है, पर मेरे हिसाब से ये समय नहीं है कि हम इस मुद्दे पे कोई राजनीतिक बातें करें। हमें सब शहरवासियों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके ये अवैध निर्माण सबसे पहले है वो बंद होने चाहिए और उसमें प्रशासन को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। कई बार प्रशासन किसी न किसी दबाव के चलते, कल देखा गया कि प्रशासन का उल्लासनगर मनपा प्रशासन के जो रेस्क्यू टीम थी कहाँ ना कहाँ विफल हुई, क्योंकि एक बच्चे को जब निकाला गया था तो यहाँ पर एम्बुलेंसेस नहीं थी, जिस वजह से हालांकि वो अंदर बचाने की गुहार लगा रहा था पर एम्बुलेंस न होने के चलते शायद उसकी डेथ हो गई। तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार था, जहां के उनके परिजन भी बोल रहे हैं, स्थानीय लोग भी बोल रहे हैं, तो इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई की या किसी और चीज की मांग करेगी? 100% करेंगे, क्योंकि इतना दर्दनाक हादसा हुआ और प्रशासन की तरफ से कोई टाइम पे मदद नहीं पहुंच पाई और एक बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है और अगर वो जिम्मेदार है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से उसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई की मांग करते हैं कि प्रशासन को अपना जो कर्तव्य है वो हमेशा सबसे पहले निभाना चाहिए। जबकि अब तक हमारे हाथ में नोटिस किसी बात का भी नहीं मिला है, बिल्डिंग को नोटिस नहीं मिला है, ना लाइट कट हुई है, ना होती है, कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे लोग आके बोल के जाते हैं दैट हम नोटिस मिला है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये उनका मैं समझती हूँ कि बयान ठीक नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ये उधर के स्थानिक लोगों से पता चल रहा है कि ऐसा कोई नोटिस ही नहीं हमें दिया गया था और ऑब्वियसली है कि जिस धोखादायक बिल्डिंग के मुद्दे पे नोटिस दिया जाता है उसकी लाइट और पानी कट हो जाती है, तो इसके लिए अगर प्रशासन जिम्मेदार है तो हम अपनी पक्ष की तरफ से लोगों के बिल्डिंग में रहने वालों के ऊपर इंजाम डेड रह रहे हो चोरी चुप, ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं ये बयान अगर ऐसा है तो मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण समझती हूँ। वक्त पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तो डेढ़ घंटे बाद तो फायर ब्रिगेड आई है और जबकि यहाँ पे अभी तो इधर ही है 5 नंबर में, अभी तो 5 नंबर में फुटेज पे था, सीसीटीवी फुटेज पे था, केन अवेलेबल ना इकड़ी आई एम्बुलेंस इकड़े मानू लेडीज के खड़ी हुई भी एम्बुलेंस ले मुझे बाहर निकलो तो मतलब अवेलेबल ही ना हो असा मत में खड़ी है भगवान दास हॉस्पिटल के खड़ी हूँ हम लोग हाथ में लेके गए डॉक्टर शादी होते अगर ये थोड़ा ना जल्दी अच्छा ना बच्चे ना 3 से 4 मिनट वो जिसको अगर हम बोलो टाइम पे मिल गई तो वो बच्चा बच जाए सबको खून उनके कारण साफ हो जाए नहीं ये
बहुत गलत बात है। अगर ऐसा है तो प्रशासन की तरफ से हम पूरी प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। तो कार्रवाई मैं तो बोलता हूँ बहुत जल्द होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भाई गए, क्योंकि इसको एक कितनी जाने जाएंगी मैडम, ऐसे कितनी जाने जाएंगी। हम तो बोलते हैं कि इसके लिए अगर प्रशासन ऐसा करता है तो हमें एक राजनीति को एक साइड में रख के सब सामाजिक संस्थाओं को आगे आके काम करना चाहिए। और हम खुद एक गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के सामाजिक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपको पूरा साथ देंगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि प्रशासन का घेराव करना चाहिए तो सबसे पहले हम आपके साथ मैदान में उतरेंगे, हम वो राजनीति एक साइड में रखेंगे। फिर पहले ये, क्योंकि एक परिवार की मतलब मीन्स आप समझो कि वो बच्ची की दिसंबर में शादी होने वाली थी, तो ये कितना एक दर्दनाक हादसा। राजू भाई, आज आपकी तरफ से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था जिसमें शहर कैंप 5 के लगभग सारे व्यापारी दिख रहे, तो आप इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य ऐसा था कि हम सब लाल साहिब व्यापारी के एसोसिएशन सब मिलके एक संदेश देना चाहते हैं कि इसमें सब एक है, छोटे से बड़ा, बड़े से, इसमें सब जन एक है। और मेरे को एक कहना है, आज जो हादसा हुआ अचानक स्लैब गिरने का, उसके लिए निंदी है, मतलब श्लोक ये, इसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ प्रशासन को, जो बच्चा जो स्लैब से गिरा उसका एम्बुलेंस आने को 2 घंटा लगा, कंटिन्यू फोन चालू था पर एम्बुलेंस आई नहीं। तो प्रशासन मतलब इसके लिए एकदम ये कर रहा है, लापरवाही कर रहा है। मेरे को मेरा हार जिन विनती है कि इसके पहले भी उल्लासनगर में हादसे कंटिन्यू चालू है, अभी तक कुछ किया ही नहीं गया है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।